राजगढ़ जिले के बाशिंदों को सुलभ और सस्ते आवागमन के लिए लंबे समय से छुक छुक करती रेलगाड़ी का इंतजार है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा लगभग 20 साल पहले 262 किलोमीटर लंबी भोपाल से रामगंज मंडी रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई थी। इस रेलवे लाइन को प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक में शामिल किया गया है, जिसके तहत रेलवे लाइन के साथ ही विद्युतीकरण कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन बजट की कमी के चलते ये प्रोजेक्ट गति नहीं पकड़ पा रहा है। बीते बजट में इस प्रोजेक्ट हेतु 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसके बाद इस रेलवे लाइन के काम को गति मिली है। अभी तक कुल बजट 2000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। राजस्थान के जूनाखेड़ा तक ट्रेन का आवागमन शुरू हो चुका है। वहीं घाटौली के निकट स्टेशन का काम प्रगति पर है, लेकिन राजगढ़ जिले में इस रेलवे लाइन का काम धीमी गति से चल रहा है। यहाँ खिलचीपुर तहसील में जरूर रेलवे लाइन का काम देखा जा सकता है। ये जो दरवाजा आप पीछे देख रहे हैं, ये किसी महल का दरवाजा नहीं है, यह एक टनल है 620 मीटर की रामगंज भोपाल रेलवे लाइन की। राजस्थान सीमा में रेलवे लाइन का काम द्रुत गति से जारी है, जबकि राजगढ़ जिले में काफी धीमी गति से काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये राजस्थान के ये जो अंतिम छोर है, केलखोरा धार्मिक स्थान है, यहाँ पर सामने ये जो आप इंजन देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रायल ली जा रही है पूरे रेलवे ट्रैक की, पूरे रेलवे ट्रैक की ट्रायल ली जा रही है। जनप्रतिनिधि दावा करते हैं कि यह ट्रेन 2024 में चल जाएगी, वहीं जबकि रेलवे सूत्रों की अगर माने तो यह रेलवे लाइन 2028 तक पूर्ण होगी। हालांकि जिस गति से राजस्थान सीमा में काम चल रहा है, उससे लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पर इस ट्रेन को हरी झंडी मिल जाएगी। 2000 करोड़ का यह बजट है और 262 किलोमीटर की रेलवे लाइन का सफर बहुत लंबा है। 20 सालों से इस रेलवे लाइन की क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से इंतजार था, लेकिन इस रेलवे लाइन को कब हरी झंडी मिल जाएगी। हिंदी अंग्रेजी माध्यम प्री नर्सरी से कक्षा 5 तक BKS कॉन्वेंट स्कूल, सर्वोत्तम किड्स केयर, स्वाभिमानपुरम, तुलसीपुर रोड, बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9415036020। हमारी विशेषताएं खेल की आधुनिक तकनीकों द्वारा कंप्यूटर पर ध्वनि व चित्र, ऑडियो वीडियो, शैक्षणिक खेल के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्था, इन्वर्टर जनरेटर एवं कैंट आरओ के पेयजल की व्यवस्था, प्रबंधक मृदुला सिंह, सह प्रबंधक अभिषेक प्रताप राष्ट्रहित। लैपटॉप का जमाना है, बस्ते का वजन घटाना है, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।